एक डिकेड से हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही, हमारी इंडस्ट्री स्टैगनेट है। उसकी दो तीन वजह है। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज गलत होने के कारण हमारे यहाँ टफ स्कीम हुआ करती थी, टफ स्कीम इन्होंने बंद कर दी। टफ स्कीम से मॉडर्नाइजेशन इतनी अच्छी होगी, टोटल इंडस्ट्री कंप्यूटराइज्ड होगी और उस कंप्यूटराइज होने से हम किसी भी कंट्री से कम्पीट कर पा रहे थे, लेकिन इन्होंने टफ स्कीम बंद कर दी। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको रिव्यू करे। इस बजट में हमने लिखा भी है टफ स्कीम चाहिए और तभी हम सारी कंट्रीज़ को कम्पीट कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट भी कम हुई है और जो एक्सपोर्ट कम होने की वजह ड्यूटी ड्रॉबैक बहुत कम कर दिया गया है। जब तक इंसेंटिव नहीं मिलेंगे हमको चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश से नहीं उठाने देगा। ख़ास तौर पे बांग्लादेश के बारे में कहना चाहूँगा, FTA स्कीम फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट बांग्लादेश से हुआ है, उसमें टोटल ड्यूटी फ्री है। कुछ भी माल आ जाए चला जाए। जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं उन्होंने वहाँ पे यूनिट लगा लिए, नेम एनीवन। और लोकल जो इंडिया में माल आता है, जो बड़े प्लेयर हैं किशोर बियानी, रिलायंस, वॉलमार्ट, ये सारा माल उनसे लेते हैं। उनका माल हमसे बढ़िया है क्योंकि उनकी टैक्स कोई नहीं है, तो हमको टैक्स पड़ता है तो हमको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। हमारी डोमेस्टिक मार्केट बहुत बुरी तरह से है। हम गवर्नमेंट से बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं पे FTA कैंसिल कर दी जाए या हमको भी कोई अच्छी डेवलप कंट्री से, अमेरिका जैसे FTA करवा के दो ताकि इंडस्ट्री ग्रो कर सके। हम चाहते हैं कि FTA अच्छी कंट्री से हो। तो ये श्रीलंका, चाइना से हमको बहुत मर रही है। चाइना से जो माल आ रहा है काफ़ी अच्छा और अच्छे फैब्रिक्स, जितना भी जैकेट, जितनी भी एक्सेसरीज है 95% चाइना से आ रही है। या तो हम अपने आप को इतना अपग्रेड करें, गवर्नमेंट चाहे फैसिलिटी दे, कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, फिर भी ग्रे मार्केट से होकर माल आता है। हम बहुत परेशान हैं, इंडस्ट्री बहुत पीछे है। तो हमारी यही डिमांड है कि गवर्नमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक ज़्यादा बढ़ाए, इंसेंटिव बढ़ाए और हमको फैसिलिटीज़ दे। टफ स्कीम द्वारा रिवाइव की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके। बहुत उम्मीदें हैं सरकार से। NDA सरकार का जो थर्ड टर्म है उसका ये पहला बजट सरकार पेश करने जा रही है। विशेष रूप से लुधियाना की होजरी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इससे जो कारोबार है, व्यापार है, बिल्कुल भी इस समय ठप हुआ पड़ा है। लोगों को बहुत राहत की ज़रूरत है। कुछ विशेष पैकेज इस जो बजट है उसमें दिए जाएँ, विशेषकर लुधियाना की होजरी के लिए। बाहर से लोग आए यहाँ पर, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़िया होना चाहिए। यहाँ पर एयरपोर्ट भी अभी चालू नहीं हो रहा। बड़ा दुर्भाग्य है लुधियाना का कि यहाँ पर अभी तक इंटरनेशनल नेशनल कोई बढ़िया एयरपोर्ट नहीं बन सका, जिससे लोग दिल्ली से बहुत ही दिक्कत सहते हुए लुधियाना पहुँचते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, कुछ विशेष पैकेज मिलने चाहिए होजरी इंडस्ट्री को। और एक इनकम टैक्स स्लैब में भी थोड़ा सा और इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो कि आज के डेट में बहुत कम है। जो ऑलरेडी इनकम टैक्स में रिबेट मिल रही है, आज के हिसाब से जैसे खर्चे बढ़ चुके हैं, हर चीज़ बढ़ चुकी है, उस हिसाब से इनकम टैक्स के जो स्लैब है उसमें भी और थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और जो हमारे यार्न के, होजरी के रेट्स यार्न के बहुत अप होने हो रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे हम व्यापारी वर्ग इस नई सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आशा करते हैं कि ये सरकार इस पर हमें राहत देगी। जो नए बजट में इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है मेरे हिसाब से, आई थिंक नंबर 1 इज़ टफ स्कीम। जो सरकार ने पहले इस टफ स्कीम पहले जो आती थी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड है स्कीम का नाम, ये सरकार ने बंद कर दिया है। बट ये स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट थी। इससे क्या होता था कि हम नई नई टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करते थे और जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता था, नए बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर प्रोडक्टिविटी आती थी इससे। तो अब क्या हो रहा है कि स्कीम बंद होने के बाद जो भी टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम अपने दम पे कर रहे हैं, उसमें सरकार की कोई हेल्प नहीं है। बट विज़ और कंट्रीज़ जो हैं, जो हमारे कंपटीशन में हैं, उनमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट है अपनी गवर्नमेंट से। तो ये वन ऑफ द स्कीम्स है जो मेरे को लगता है सरकार को दोबारा इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।